हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर क्लास आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा उम्र निकालना सीखें और थंबनेल में आपने देखा भी होगा कि यूट्यूब पर इस उम्र निकालना सीखे टॉपिक से संबंधित काफ़ी सारी कंफ्यूजन पैदा कर रखी है मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी हैं तो उसमें किसी पर डेढ़ करोड़ व्यू हैं किसी पर चालीस लाख व्यू हैं पर उन वीडियोज में थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन पैदा कर रखी है एक जगह पर वो क्या कन्फ्यूजन है उसे मैं पूरी तरह से दूर भी करूँगा और जो सही तरीका है निकालने का वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ठीक है तो शुरू करता हूं मैं वीडियो को तो सबसे पहले जो उम्र निकालने संबंधित है हमारा सवाल उसमें दो तिथियां हमारे पास होती हैं सबसे पहली वर्तमान तिथि जाने कि जिस डेट को हमें अपनी उम्र पता करनी है और दूसरी है डेट ऑफ बर्थ डी का मतलब है डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि जिस दिन हम पैदा हुए हैं या कोई व्यक्ति पैदा हुआ जिसकी हमें उम्र निकालनी है ठीक है उम्र निकालने के लिए क्या करते हैं दिन माह वर्ष ये तीन चीजें हमारे पास होती हैं यानी कि डेट मंथ और ईयर तो मान लो मैंने पहला तीन सवाल लिख रखे हैं यहाँ पर तीनों अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं तीनों सवालों को इतनी अच्छी तरह समझाऊंगा आप बिल्कुल अच्छी तरह सीख जाएंगे और कहाँ कन्फ्यूजन है वो भी मैं बताऊंगा आपको पहला सवाल है वर्तमान में मान लीजिए पंद्रह दस दो हजार बाईस यानी कि पंद्रह अक्टूबर दो हज़ार बाईस को हमें बताना है किसी व्यक्ति की उम्र क्या है जबकि उसकी डेट ऑफ बर्थ है दस पाँच उन्नीस सौ अस्सी यानी कि दस मई उन्नीस सौ अस्सी दस मई उन्नीस सौ अस्सी को पैदा हुआ है और पंद्रह दस दो हज़ार बाईस को उम्र बतानी है तो इस तरीके से हम लिख लेंगे पहले अब उसके बाद देखिए घटाना है हमें तो ज़्यादातर हम घटाने के सवाल कहाँ करते हैं सीधे हाथ की तरफ से करते हैं पर इन सवालों को हम करेंगे उल्टे हाथ की तरफ जाने की दिन की तरफ से ये हमारा जो सवाल है ये बिना हासिल वाला सवाल है यानी कि सीधे सीधे इसमें से घटते चले जाएंगे इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल बिना हासिल वाला लिखा है ताकि वो आसानी से हो जाए पंद्रह में से दस के कितना बचेगा पांच पांच आगे दिन दस में से पांच के कितना बचेगा पांच पांच आगे माह और दो हजार बाईस में से उन्नीस सौ अस्सी गए तो ये आ जाएगा हमारा फोर्टी टू बयालीस वर्ष इसे घटाना बेहद आसान इसके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ दूसरा सवाल है हमें किसी व्यक्ति की उम्र निकालनी है आठ नौ दो हजार बाईस यानी कि आठ सितंबर दो हजार बाईस को जबकि उसकी जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ है अठारह मार्च उन्नीस सौ नब्बे इसमें कन्फ्यूजन है इसी को आपको ध्यान से देखना क्या कन्फ्यूजन है वो बताऊंगा सबसे पहले क्या करना है हमें दिन में से दिन घटाने हैं हम देखेंगे यहां देखेंगे यहाँ पर आठ है और यहाँ अठारह है आठ में से 18 तो हम घटा नहीं सकते हैं तो हम क्या करेंगे यहां से इधर हासिल लेंगे क्या लेना होता है हमें हासिल अब हासिल लेने में क्या होता है जैसे ही हम यहाँ से एक माह का हासिल लेंगे तो यहां से तो चलेगा एक माह पर यहाँ पहुँचते पहुँचते वो दिन बन जाएगा है ना और एक माह में दिन कितने होते हैं तीस होते हैं या इकतीस और फरवरी में अट्ठाईस और उनतीस अब यहाँ से महीने से जब इधर जाएंगे तो दिन तीस लेंगे या इकतीस लेंगे ये हमें देखना है फरवरी होगी तो अट्ठाइस और फरवरी तो, तो यहाँ कहीं है नहीं तो तीस या इकतीस में से कोई सा हमें कंफ्यूजन जो है यूट्यूब पर यही दूर करनी है तो मैं आपको यहाँ बता दू एकदम सटीक तो तरीके से कि हमें तीस या इकतीस इस वाले महीने से देखना है ये महीना किस कितने दिनों का होता है नीचे वाला डेट ऑफ बर्थ वाला तो डेट ऑफ बर्थ वाला महीना हमारा कौन सा है मार्च कितने दिनों का होता है मार्च का महीना इकतीस दिनों का तो हम यहां से एक महीना चलेगा तो दिन पर पहुंचते पहुंचते वो हो जाएगा इकतीस ठीक है यही कंफ्यूजन यूट्यूब पर बना हुआ है जिसे मैं इस वीडियो में दूर कर रहा हूं तो अब इकतीस और आठ उनतालीस दिन हो गए टोटल और उनतालीस में से अठारह घटाने हैं तो हमारा बच जाएगा इक्कीस दिन ठीक और यहां नौ माह में से एक माह कम हो गया तो कितना बचेगा आठ क्योंकि नौ में से एक इधर हासिल दे दिया आठ माह में से तीन माह गया तो कितना बचा पांच माह वर्ष में से हासिल दिया नहीं है सीधे सीधे घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा बत्तीस वर्ष ठीक है अगर यहाँ फरवरी होता तो फिर हम यहाँ पर लीप ईयर के हिसाब से देख ले मान लो यहाँ पर दो लिखा होता कि अठारह फरवरी को जन्म हुआ है तो फिर उन्नीस सौ नब्बे हमारा लीप ईयर होता है नहीं होता नहीं होता है तो क्या होगा अट्ठाईस की फरवरी होगी तो हम अट्ठाईस लेंगे अगर लीप ईयर होगा तो हम यहाँ पर उन्तीस लेंगे ठीक है कन्फ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है अब एक और एग्जाम्पल लिखा है मैंने तीसरा उसे देख लेते हैं दिन महावर्ष हमें किसी व्यक्ति की आयु निकालनी है 10 मई 2022 को और उसकी डेट ऑफ बर्थ यानी की जन्म तिथि है 20 दस उन्नीस सौ पिचानवे यानी कि 20 अक्टूबर उन्नीस सौ चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दिन में से दिन देखेंगे क्या 10 में से 20 घट जाएगा नहीं घटेगा तो हम क्या करेंगे यहां से एक महीना उधार लेंगे हासिल लेंगे जिसे कह सकते हैं तो यहां से एक कम हो जाएगा तो यहाँ तो बचेगा हमारा चार चार महीने बचे अब यहां से यहां तक जब जाएंगे तो तीस दिन आएंगे या इकतीस दिन आएंगे वो कहां से पता चलेगी हमारी इससे अक्टूबर का महीना हमारा होता है इकतीस का ठीक है तो यहां पर कितने दिन आएंगे हमारे इकतीस आएंगे इस वाले से बहुत से यूट्यूब चैनल पर मैंने देखा है कि उसमें जो है इस वाले महीने के हिसाब से दिन को ले रखा है जबकि वो गलत है हमें इस वाले महीने के हिसाब से दिनों की संख्या को यहां पर उधार देना है अब ये इकतीस और दस हो गए इकतालीस इकतालीस में से बीस गए तो बचे हमारे इक्कीस तो इक्कीस आ गए हमारे दिन अब आ जाइए महीने पर यह सवाल इससे भी थोड़ा अलग है अब चार महीने में से दस महीने नहीं घट सकते तो देखिए हम वर्ष में से भी उधार लेंगे इसमें वर्ष में से उधार लेने की जरूरत हमें नहीं थी क्योंकि आठ में से तीन का कितना बचता था पांच तो वर्ष में से एक उधार लेंगे तो यहां से जब एक वर्ष उधार जाएगा तो यहां से तो एक ही कम होगा पर यहां पहुंचते पहुंचते वो प्लस होंगे बारह क्योंकि एक वर्ष में होते हैं बारह महीने और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो बारह और चार हो गए सोलह महीने और सोलह में से दस गए तो कितने बचे छ माह ठीक और यहां 2022 में से एक उधार दे दिया तो यहां बचेगा 2021 और जब इसे घटाएंगे हम तो ये बचेगा हमारा 26 वर्ष ठीक है कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहा होगा बस आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ से एक कैरी जाएगा तो यहाँ से एक जाएगा पर यहाँ पर बारह और जब यहाँ से कैरी जाएगा तो यहाँ से तो एक कम होगा पर यहाँ पर दिनों की संख्या इस वाले महीने के हिसाब से आपको लेनी है और जिसमें कैरी की जरूरत नहीं है वो आप सीधे सीधे घटा सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही है उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि उम्र कैसे निकालते हैं और जो कन्फ्यूजन हमारा है वो दूर हो गया होगा वीडियो यहीं खत्म होती है अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए थैंक यू